जैसे जैसे सर्दियों की शुरुआत हो रही है, वैसे वैसे मार्केट से सोलर गीजर की डिमांड जो है वो काफ़ी आने लगी है। और मेरे कई सारे जो हमारे YouTube के व्यूअर हैं, उन लोगों का और मेरे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी ये डिमांड कि सर सोलर गीजर बनाइए और सोलर गीजर आप हम लोगों को दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सोलर गीजर बनाए थे और सोलर गीजर बनाने के बाद में अपने कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने सोलर गीजर डिस्ट्रीब्यूट किए, पर कुछ दिक्कतें आईं और कुछ एनालिसिस हम लोगों ने किए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपको सोलर गीजर लेना है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और अगर नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना चाहिए, अब उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है वो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो संभव है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर वीडियो के अंदर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा कि इसके बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, एक मिनट की रिक्वेस्ट है मेरी एक आप लोगों से इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि इस दीपावली आप अपने जो आपके नियर में दुकानदार हैं, जो भी दुकानदार भाई हैं, आपके जो शहर में दुकानदार भाई हैं, उन दुकानदार भाइयों से ही आप लोग खरीदारी करें। ये एक मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, आप लोग दीपावली की आप लोगों को खरीदारी करनी है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसको प्रेफर करते हैं, पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 साल ये मंदी का दौर रहा है, 2 साल कोरोना से, और ये मंदी के दौर में जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनका कारोबार जो है बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो हम लोगों को एक मदद करनी चाहिए कि हम लोग अपने नियर से ख़रीदारी करें, अपने जो हमारे लोकल दुकानदार हैं उनसे हम लोग ख़रीदारी करें। जो ऑनलाइन ये सामान बेचने वाले लोग हैं वो तो ऑलरेडी करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी ऑनलाइन शॉपिंग में अगर थोड़ी सी घटोतरी भी हो जाएगी, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उनकी जेब में 1 से 2% जो है वो बढ़ जाएगा, उससे भी उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। पर एक जो छोटे दुकानदार हैं, आपके नियर में दुकानदार हैं, अगर आप उनसे शॉपिंग करेंगे तो उनकी दीपावली भी अच्छी दीपावली जाएगी। और मेरा आप लोगों से प्रार्थना कि सभी लोगों के लिए सोचें, और आपकी वजह से अगर किसी दुकानदार भाई की सेल बढ़ती है, उसके चेहरे पर खुशी आती है, तो दीपावली का सबसे अच्छा गिफ्ट जो है यही होगा। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में मुझे एक काम से जो है वो बाहर जाना पड़ा, तो हल्द्वानी में गया था। तो हल्द्वानी में एक होटल में मैं रुका। अब वहाँ पे जाके हुआ यूँ कि मेरे को सुबह 7 बजे मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, उनके साथ में मीटिंग करनी थी, और 9 बजे के बाद में मेरी कुछ और मीटिंग्स लगी हुई थी, तो मुझे सुबह 7 बजे निकलना था। अब सुबह 6:30 बजे मैंने होटल वाले को बोला कि यार पानी जो है वो ठंडा आ रहा है, मेरे को गर्म पानी चाहिए। तो उसने बोला कि साहब हमारे यहाँ पे जो है वो सोलर गीजर लगा हुआ है और जो स्टोरेज टैंक था सोलर गीजर का वो जो है ख़त्म हो चुका है, अब सुबह में जब धूप निकलेगी देन आपको पानी जो है वो गर्म मिलेगा। तो मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? बोले साहब जब जितना भी टाइम लगे। आखिरकार 9 बजे तक जब धूप निकली, 9:15 के आसपास तक जो है वहाँ पे मुझे हल्का सा जो है वो गर्म पानी मिलना शुरू हुआ, और जो मीटिंग मेरे को सुबह 7 बजे करनी थी वो मीटिंग मैं 10 बजे कर पाया, सिर्फ गर्म पानी ना होने की वजह से। तो जो सोलर गीजर है उसकी अपने आप में कुछ लिमिटेशंस हैं। अब उनके साथ में, होटल वालों के साथ में दिक्कत ये थी कि उनका जो स्टोरेज था वो उतना स्टोरेज उन लोगों के पास नहीं था कि नेक्स्ट डे भी वो जो है वो गर्म पानी दे पाएँ, उनका जो स्टोरेज था वो उसी दिन ख़त्म हो गया था। तो फ्रेंड्स, मुद्दा ये कि भाई सोलर गीजर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स, सोलर गीजर अगर आप लेते हैं तो आप इसलिए लेना चाहिए कि सोलर गीजर एक वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, और एक बार आपने सोलर गीजर ले लिया उसके बाद में आपको गर्म पानी की जो है वो किल्लत नहीं देखनी पड़ेगी। बस सोलर गीजर लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में जो टैंक है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका उस दिन का और उससे अगले वाले दिन का आपके पास में पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर हो, गर्म पानी स्टोर हो, ताकि अगर अगले दिन अगर सनलाइट का थोड़ा सा दिक्कत हो रही है या हमारे जो सूर्य देव हैं वो थोड़ा देरी से निकल रहे हैं तो आपको सुबह ऑफिस जाने में, आपको सुबह अपने काम पे जाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो है वो सोलर गीजर का एडवांटेज है, सस्ता मिल जाता है सोलर गीजर, मेंटेनेंस जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको आपकी जो पानी की जो टैंक है उसको सोलर गीजर से कम 4 से 5 फीट की आपको हाइट पर रखना है जो आपका पानी का टैंक है।
तभी उसके अंदर जो है जो सोलर गीजर है हमारा, तभी उसके अंदर जो है वो प्रॉपर पानी आ पाएगा। कई बार ये दिक्कतें भी देखने को आती हैं कि पानी की टंकी जो है वो भी छत पे है और उसी छत पे सोलर गीजर लगाया जाता है, तो उस कंडीशन में एक एक्स्ट्रा मोटर आपको डालनी पड़ेगी कि जो पानी की टंकी से आपका जो पानी है वो सोलर गीजर तक चला जाए। इसके अलावा सोलर गीजर जो है वो आप लोगों को सस्ता पड़ेगा, और सोलर गीजर का सबसे जो अच्छा एडवांटेज है वो है कि वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद में आपको कोई किल्लत नहीं देखनी है। अब सोलर गीजर का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आज के टाइम पे जो मैक्सिमम सोलर गीजर यूज होते हैं वो ट्यूब्स वाले सोलर गीजर यूज होते हैं। अब ट्यूब्स जो हैं चूंकि वो कांच की बनी हुई होती हैं, तो ट्यूब्स का जो डिसएडवांटेज है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने अपने कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब माल भेजा तो पता चला कि ट्रांसपोर्ट में 6 से 7 रॉड जो है वो टूट गई। अब पैकिंग हम लोगों ने बहुत अच्छी की थी, सब कुछ अच्छा किया था, पर फिर भी क्योंकि कांच है और कांच को हैंडल करना वो एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। कई बार क्या है कि आपकी घर की छत पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं या कहीं से कोई कंकड़ वंकड़ आके लग गया तो वो जो ट्यूब्स हैं वो टूट जाती हैं, तो ट्यूब्स टूटना जो है वो एक मेंटेनेंस का पार्ट है और इसलिए जो है आपको सोलर गीजर नहीं लेना चाहिए। ट्यूब्स का टूटना जो है वो एक मतलब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो टूटने के चांस जो हैं वो उसके अक्सर होते हैं। दूसरा, जो इसके अंदर आपको टैंक मिलेगा वो दो तरह का टैंक आपको मिलेगा, स्टेनलेस स्टील का मिल जाएगा आपको, इसके अलावा आपको GI का भी मिल जाएगा टैंक। तो दोनों ही तरह के टैंक्स की जो है वो अपनी अपनी खासियत होती हैं, आपको अपनी सुविधा के हिसाब से आप जो है टैंक वो चूज कर सकते हैं। पर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप सोलर गीजर ही ले रहे हैं तो आप जो है वो स्टेनलेस स्टील का आप जो है वो टैंक लें, तो उसकी क्या है वो लाइफ जो है वो थोड़ा ठीक रहती है। मैं आपको फिर से एक बार और सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने कंजप्शन के हिसाब से ही अपना जो टैंक है वो डिसाइड करें कि आपका जितना कंजप्शन आज का है और जितना कल का है कम से कम इतने दिन का पानी आपके पास में स्टोर होना चाहिए, देन आपका जो सोलर गीजर है वो आपका सक्सेसफुली काम करें। तो ये मैंने फ़ायदा भी बता दिया आप लोगों को और मैंने आप लोगों को नुकसान भी बता दिया। दूसरा ये है कि छत पे जो है वो थोड़ी सी स्पेस भी लेता है क्योंकि छत से टिका होता है, सटा होता है जो हमारा सोलर गीजर है। अब बात यह है कि सोलर गीजर ना लें तो फिर क्या लें, तो सोलर गीजर ना लें तो ये ले सकते हैं आप कि मार्केट के अंदर जो ट्रेडिशनली 15 लीटर और 25 लीटर के जो गीजर हैं जो टैंक हैं वो आप ले सकते हैं। तो आपको करना ये है कि आपका जो सोलर सिस्टम है, माना आपने 3 KVA का सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है या 5 KVA का आपने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है, तो आपका सोलर सिस्टम जो है वो इतना कैपेबल है कि गर्मियों के टाइम में अगर आपने 5 KVA का सिस्टम अपने घर पर लगवाया हुआ है तो गर्मियों के टाइम में आप उससे अपना जो है वो पूरा एयर कंडीशनर चला सकते हैं, फैंस, कूलर्स, आपके इंडक्शन, वाटर पंप जो है वो सारी चीज़ें आप चला सकते हैं। पर सर्दियों के टाइम में क्या है कि आपका AC बंद हो जाएगा, आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो बंद हो जाएगा और फैंस आपके बंद हो जाएंगे, तो कोई कंजप्शन नहीं रहता है। तो क्या ज़रूरत है कि आप सोलर गीजर लें, आपका जनरेशन आपका हो ही रहा है, आपकी छत पे पैनल लगा हुआ है ही पहले से, तो बस आपको करना यह है कि मार्केट से आपको 15 से 25 लीटर का जो इलेक्ट्रिक वाले गीजर आते हैं वो आपको बाई करना है और बस वो इलेक्ट्रिक वाला गीजर जो है वही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। चूंकि 5 KVA जो सिस्टम है वो 4 बैटरी पे हम लोग देते हैं, 4 बैटरी पे ही या 8 बैटरी पे आप लोगों ने लिया होगा, तो आपको रात में 12 बजे पानी गर्म चाहिए या आपको सुबह 6 बजे पानी गर्म चाहिए, आपको सिर्फ एक चटकनी दबानी है और उसके बाद में आपको गर्म पानी मिल जाना है। तो एक ही फ्रीडम मिलता है आपको इलेक्ट्रिक गीजर के साथ में कि आपको जब पानी गर्म चाहिए जब आप ले सकते हैं, आपको बहुत बड़ा कोई टैंक नहीं लगाना है, पानी को स्टोरेज नहीं करना है, आपको जैसी जब रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप इलेक्ट्रिक गीजर से अपने से पानी ले सकते हैं। अब बात आ जाती है कि खर्चा, तो फ्रेंड्स जो सोलर गीजर है उसके लिए आपको सेपरेटली खर्चा करना है, पर जो इलेक्ट्रिक गीजर आप ले रहे हैं उसके लिए आपको कोई खर्चा ही नहीं करना है। अगर आपके घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो फिर तो कोई खर्चा करना ही नहीं है आपको। अगर आपके घर पे सोलर सिस्टम नहीं लगा हुआ है और आपको केवल ये है कि भाई मेरे को तो केवल गर्म पानी के लिए ही सोलर सिस्टम लगवाना है, तो फ्रेंड्स फिर तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप सोलर गीजर ही लें। खाली अगर आपका गर्म पानी का ही काम है कि आपको गर्म पानी ही चाहिए, तो फिर आप सोलर गीजर लें और सोलर गीजर में भी टैंक जो है वो अपना बड़ा टैंक आप लें कि जिसकी वजह से आपको अगले दिन दिक्कत ना हो। पर अगर आपके घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है या गर्मियों में आप जो है वो सोलर इस्तेमाल करते हैं, आपके घर पे AC चलता है, आपके घर के जो और लोड हैं वो चलते हैं, तो फिर सबसे बढ़िया जो है वो सजेशन वो ये है कि आप इलेक्ट्रिकल गीजर लें मार्केट से, जो भी 5-स्टार रेटिंग में आपको मिले 5-स्टार रेटिंग में लें, और जो आपका एग्जिस्टिंग सोलर सिस्टम है उसी एग्जिस्टिंग सोलर सिस्टम से ही
आपका जो है वो इलेक्ट्रिक गीजर चल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक गीजर जो है इसमें दो तरह का आपको गीजर मार्केट में देखने को मिलेगा, एक 2 किलोवाट का और एक 3 किलोवाट का। तो अगर आपके घर पे 3 kVA का सिस्टम लगा हुआ है तो आप 2000 वाट तक का गीजर ले सकते हैं, और अगर आपके घर पे 5 kVA का सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो फिर आप 3 किलोवाट वाला जो 25 लीटर का टैंक वाला आता है वो भी आप इलेक्ट्रिक गीजर ले सकते हैं। अगर आपके घर की छत पे बायफेशियल पैनल लगा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि आपको गर्म पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। डेफिनेटली आपको गर्म पानी जब आप चाहेंगे जब मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियों के टाइम में बायफेशियल पैनल बहुत अच्छे काम करते हैं। और सर्दियों के टाइम में वो तो यूँ है कि हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट ही हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादातर अपनी जो एनर्जी है जो हमारी सनलाइट मिल रही है उसको यूज ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर में जो मेन कंजप्शन वाले आइटम हैं वही बंद हो जाते हैं। एसी सबसे ज़्यादा कंजप्शन करता है बिजली का, वो बंद हमारा, रेफ्रिजरेटर हमारा बंद, कूलर पंखे हमारे बंद, तो आपका जो एक्स्ट्रा जनरेशन है वो आपका वेस्ट ही हो रहा है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप एक्स्ट्रा जनरेशन को आप अपना जो गीजर है गीजर में आप इस्तेमाल करें। और अगर आप ये प्लान कर रहे हैं, आपके घर की छत पे सोलर पैनल पहले से लगा हुआ है, सोलर सिस्टम लगा हुआ है, और अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि भाई आपको जो है वो सोलर गीजर लेना है गर्म पानी के लिए, तो कोई अच्छा आइडिया नहीं है, कोई ज़रूरत आपको नहीं है, आप इलेक्ट्रिक गीजर ले सकते हैं। ये मेरी आप लोगों के लिए ओपिनियन। अब ये जो मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, ये सलाह जो है ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको सलाह दे रहा हूँ, मैं इस सलाह को यूज भी कर रहा हूँ और मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। रात को कितने बजे भी मुझे गर्म पानी की आवश्यकता होती है, सिर्फ मुझे एक बटन दबाना होता है और मुझे जो है वो अपना गर्म पानी मिल जाता है। तो ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर जो है वो 15 लीटर या 25 लीटर का मैक्सिमम 8 से 10 हज़ार रुपये का आपको मिल जाएगा। तो ये जो है वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है मेरा वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।